हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जेके अहमद और आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। कि ये वीडियो बेटा क्लास के वीडियो से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं बीच बीच में ऐसे कुछ जनरल नॉलेज की वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज भी होती रहे। क्योंकि बेटा जनरल नॉलेज होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। जो आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐसी पता चलेंगी जो शायद आपको पहले ना पता हो, ठीक है। तो आइए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर बेटा, वो ये रहा कि तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया। तो आपको पता है बेटा तिरंगा जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जिसके अंदर तीन तरह के रंग हैं, ठीक है, बीच में चक्र है। तो बेटा इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो बेटा इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेनकैया ने, ठीक है, पिंगली वेनकैया। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपको पता होगा बेटा मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी किनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो बेटा नहीं पता है तो बेटा उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं बेटा, इसका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन हम सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है, ठीक है बेटा। उसके बाद आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कौन करोड़ सॉरी किसका बना हुआ है। आप जानते हैं पृथ्वी के बेटा तीन भाग हैं, जिसके अंदर जो सबसे अंदर वाला भाग है बेटा उसको करोड़ कहा जाता है। वो बेटा किस मेटल का या किस धातु का बना हुआ है, तो आपको बताना चाहिए वो लोहा और निकल का बना हुआ है, ठीक है बेटा। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। बेटा आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई या किसने इसकी स्थापना की, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता है बेटा तो आप जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, इसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पर की थी बेटा, तो उन्हें पता होना चाहिए आपको, वो सिंगापुर में की थी, ठीक है। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ही बेटा वो थे जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है बेटा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते बेटा। अगला है हमारा, विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पूरे विश्व के अंदर कितने देश हैं टोटल। बेटा 195 देश हैं पूरे विश्व में, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को बेटा सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है जनगणमन किसने लिखा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जनगणमन किसने लिखा था, बेटा जनगणमन किसने लिखा आपको पता होना चाहिए। तो जनगणमन के जो लिखा था वो लिखा था बेटा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, यानी राष्ट्रगीत किसने लिखा। राष्ट्रगीत तो आप जानते होंगे बेटा, वंदे मातरम ये किसने लिखा है, तो बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। ये थे बेटा आज के हमारे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। इसी तरह की वीडियो मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, ताकि बच्चों को जो है जनरल नॉलेज होती रहे, ठीक है बेटा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को आप भेजेंगे उनकी भी जनरल नॉलेज अच्छी हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।